कोरोना महामारी के बीच गुजरात में हालत बद से बदतर होती जा रही है। गुजरात सरकार दावा कर रही है कि उसके पास सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। तब इस खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सही मायनों में तो ये खबर बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर डॉक्टर ही अब हताश होकर अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। जी हाँ, अहमदाबाद के अस्पताल और नर्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर वीरेन शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे का कारण है कि अहमदाबाद में न तो ऑक्सीजन है ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन। मरीजों का इलाज डॉक्टर करे तो कैसे करे। गुजरात में कोरोना संक्रमण ने घातक रूप ले लिया है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। नतीजा ये हो गया है कि उपचार कराने वाले मरीज बढ़ते जा रहे हैं और रिकवर होने वाले कम होते जा रहे हैं। इस कारण अस्पतालों में मरीजों को ना ही बेड मिल पा रहे हैं, और यदि बेड मिल भी जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, साथ ही में रेमडेसिविर की भी किल्लत हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी परेशानियां और अधिक है, इसलिए बुधवार को इन सब से त्रस्त होकर डॉक्टर वीरेन शाह ने अहमदाबाद के अस्पताल और नर्सिंग एसोसिएशन यानी कि AHNA के सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर वीरेन शाह बीते कई दिनों से नगर निगम और सरकार के सामने प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा उठा रहे हैं, किंतु उन्होंने नगर निगम और सरकार पर ठोस कदम नहीं उठाने का भी इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन लेने में समस्याएं हो रही है, नतीजन कई मरीजों को और उनके परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज भी काफ़ी परेशान है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।